हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि इंडिया जो है वो बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद जो है वो आपको जिम्बाब्वे से खेलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर बात करने लगे, ये जो टूर है जिम्बाब्वे इंडिया में नहीं आ रहा है, हालांकि इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे में जा रहा है और टोटल 3 मैचेज जो है आपको ODI खेले जाएंगे। और ये 3 जो ODI मैचेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से आप देखोगे तो। बहुत सारी टीमें जो है वो काफ़ी जो टॉप 10 में टीमें नहीं हैं उनसे जो है मैचेस खेल रही हैं। और इसका रीज़न है कि जो इंटरनेशनल मैचेस है, जो इंटरनेशनल जो दौरा है, बाइलेटरल सीरीज़ है, उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये मैचेस जो है वो बहुत अच्छे से खेले जा रहे हैं। और इंडिया का जो है वो 3 मैचेज है आपको जिम्बाब्वे से, जो कि आपको 18, 20 और 22 को जो है होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि इंडिया के फुल स्क्वाड जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी स्क्वाड अवेलेबल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो स्क्वाड है। और एक बहुत ही एक तरफा जो है सारे मैचेस करने चाहिए जिस तरीके से जो है स्क्वाड अवेलेबल है अभी। अब बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे मैचेस हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो तीनों मैचेज होने वाले हैं वो तीनों जो है आपको हरारे स्पोर्ट 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 क्लब हरारे पे जो है वो खेले जाएंगे, जो कि जिम्बाब्वे का जो है वो कैपिटल है और यहीं पे जो है सारे मैचेस खेले जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से मैसेज हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तक जो है ये अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल टू डे सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो। और अभी तो है बहुत ही बढ़िया जैकपॉट जो है वो 100 में चल रहा है, चाहे वुमेंस वाला हो मेंस वाला हो, और बहुत सारे लोग वहाँ से प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप भी उठाना चाहते हो तो वहाँ से जो है प्रॉफिट आप बना के बढ़ सकते हो आगे। बात करते हैं अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है आप एक तरह से जो है ओपन ग्राउंड है तो 10,000 के आसपास यहाँ पे जो है कैपेसिटी है। और यहाँ पे अगर मैचेस की बात करें तो काफ़ी अच्छे मैचेस जो है यहाँ पे होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली जो है पिच देखने को मिलता है। और इसका रीज़न भी है कि अभी तक जो लास्ट यहाँ पे 10 मैचेज हुए उसमें आप देखोगे तो बांग्लादेश टूर किया है, अफगानिस्तान किया है, UAE किया है, और कोई भी जो है बड़ा टीमें जो है अभी टूर नहीं किया है जिम्बाब्वे का। इसके अलावा बात करते हैं तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले देखोगे तो ये जो है बैटिंग ग्राउंड पिच है, थोड़ा सा ड्राई पिच जरूर देखने को मिलता है जिसके चलते जो है ये इजी होता है बैटिंग के लिए। बॉल जो है वो काफ़ी बाउंस करता है और बाउंस करके जो है बल्ले पे जब आता है तो बैटिंग के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन बाउंसिंग जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे दिक्कत भी रहता है कि अगर ज़्यादा बाउंस कर रहा है तो चांसेस ये भी रहेगा कि वहाँ पे जो है स्पिनर को ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है अगर पीछे जो है ज़्यादा ड्राई जो है होते रहता है तो। लेकिन अगर नॉर्मल रहता है तो वहाँ पे जो है बाउंस अच्छा होगा और बाउंड्री जो है काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलेगा। और बैटिंग के लिए जो है काफ़ी बढ़िया सा जो है वो पीछे यहाँ पे बनाया जाएगा। और देखोगे जो भी यहाँ पे टीमें जाती है एक अच्छा सा जो है स्कोर रहता है। हालांकि आप देखोगे तो लास्ट 10 मैच में 7 जो यहाँ पे चेस हुआ है, 3 जो है डिफेंड हुआ है। और लास्ट 10 मैच की यहाँ पे बात करते हैं तो हाइएस्ट स्कोर जो लास्ट 10 मैच में है वो 303 रन है, जो कि बांग्लादेश ने जो है बनाया था और ऑफकोर्स जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाया होगा। और लास्ट 10 मैच में जो टूर किया है वो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और UAE है, जो कि लास्ट 10 मैच जो है यहाँ पे टूर हुआ है उसमें से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है अगर पिच के माहौल के हिसाब से देखोगे तो स्पिनर फ्रेंडली जो है ये हो सकता है। अगर जिस तरह का जो है वो पिचेज यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा सा ड्राई पिचेज रहता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्पिनर को मदद जो है होता हुआ जरूर नज़र आ सकता है। लेकिन उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे स्विमिंग कंडीशन जो है थोड़ा सा कम जरूर मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पे बैटिंग कंडीशन जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उसी हिसाब से जो है अपने प्लेयर जो है वो चूज़ कर सकते हो अगर किसी भी तरह का जो है आप यहाँ पे टीम बनाते हो या फिर किसी तरह का मैसेज जो है खेलते हो। तो इसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में तो आप देखोगे जो यहाँ पे जो है 143 मैचेज हो रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मैचेज है। 143 मैचेज जो है होना किसी भी ग्राउंड पे एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो मैचेज है, बहुत ही अच्छा सा जो है संकेत है, जिनमें से 68 जो फर्स्ट बैट जीता है और 74 जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड बैट जो है वो जीता है। और फर्स्ट बैट एवरेज भी आप देखोगे यहाँ पे जो है 234 है, तो बहुत ही अच्छा जो है एक एवरेज स्कोर है और एवरेज स्कोर 234 है। तो अब यहाँ पे जो है कि अच्छी टीमें जाती है तो आप यहाँ पे अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 300 के आसपास जो है वो 320-325 के आसपास जो है स्कोर आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर जिम्बाब्वे भी करता है तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा जो है स्कोर बनाने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों टीमों के आसपास। और यही हम बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर पर तो 385 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है बनाया था और लोएस्ट जो है वो 35 रन है, जो कि जिम्बाब्वे ने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे अगर हम एवरेज स्कोर की बात कर लेते तो आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है वो 200 से लेकर 300 के बीच में जो है आप देखोगे तो बहुत अच्छा जो है वो स्कोरिंग एरिया है। और यहाँ पे जो है टोटल 96 बार जो है वो 200 से लेकर 300 के बीच में जो है वो स्कोर हुआ है। और 200 के नीचे के स्कोर की बात करें तो 34 बार जो है वो ऐसा नहीं है कि कम रन नहीं बना है, 34 बार जो है 200 से कम रन बना है। और उसके अलावा जो आप देखोगे तो 12 बार जो है आपको 300 से ऊपर रन जो है बनता हुआ नज़र आएगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी इंडिया और बांग्लादेश जिम्बाब्वे खेलेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि अगर इंडिया जो है पहले बैटिंग करता है तो 320 के आसपास जो है आप देख सकते हो कि हाँ इतना जो है इंडिया टारगेट रख सकता है। और यहीं जब जिम्बाब्वे खेले जिम्बाब्वे से जब अगर इंडिया का अच्छी बॉलिंग हुई तो आप जो है
80 से 200 के आसपास जो है आप स्कोर यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा ख़राब बॉलिंग होता है तो आप 250 के आसपास जो है यहाँ पे देख सकते हो स्कोर। ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे जो है बिल्कुल आपको जो है वह कमज़ोर टीम दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि जो है अब इन मैचों के अलावा जो है इसके अलावा आप जुड़ना चाहते हो 100 से 100 में बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो अभी आप देखोगे तो 100 में जो है बहुत ही बढ़िया मैच जो है चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग जो है प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। साथ में आप ऑटोमेटिक सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ये चीज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जब मुझसे जुड़ सकते हो और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है प्रॉफिट बनाने की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार जो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और पूरा नोटिफिकेशन जो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।